हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:18 और मैंने नहा लिया है। और ये देखिए, आज बाल भी धुले हैं मैंने और पूजा भी कर दी है। ये देखिए, पूजा भी हो गई है और अभी जा रहे हैं नाश्ता बनाने। और आज बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, बाकी की तैयारी अभी करनी है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी सबसे पहले सुखाएंगे कपड़े, नहा के बाथरूम में ही पड़े हैं कपड़े, तो अभी चलते हैं, पहले कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद फिर बाकी की तैयारी करके आपके साथ में रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। और कपड़े सुखाने के बाद चलेंगे किचन में और फिर बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया था। और ये देखिए, सारे कपड़े गए हैं सुखा दिए मैंने। और ये बाबू की साइकिल, इसकी कोई जगह निश्चित नहीं है, जहाँ भी मन करता है वहीं रख देता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पहुँच गई हूँ मैं किचन में। और ये आलू पहले से बॉईल करके रख लिया था मैंने, तो अब इसी मिलाएंगे मसाले सारे। ये नमक डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा हाथों से क्रश करके डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, सौंफ भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। वैसे आप जीरा भून के उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो जब जल्दी में होती हूँ तो ऐसे कच्चा भी डाल देती हूँ। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू जब बनती है, खाना बन जाता है पूरा, तो इसकी खुशबू आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जल्दी में तो ऐसे ही डाल देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ मैं ये डिब्बी उठाकर देख रही हूँ, ये दो डिब्बी मेरे पास एक जैसी हैं, पता ही नहीं चलता। एक में आमचूर पाउडर रखा हुआ है, दूसरे में गर्म मसाला, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सी डिब्बी मैंने निकाली है गलती से, और ये आमचूर की निकाली थी। और इसमें देखिए, मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गर्म मसाला और दो हरी मिर्च भी काट के डालनी थी मैंने इसमें, और स्वाद के अनुसार नमक। और ये देखिए हाथ, और ये देखिए, ये हाथों से मैंने बढ़िया से इसका बना दिया है, भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर दी है। और यहाँ पर ये ब्रेड निकाल ले रही हूँ, और ब्रेड भी काट कर रख लेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे उसके बाद ही कढ़ाई चढ़ाएंगे, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, और ये जो रेड वाली चाकू है बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो मैंने ये वाली निकाली थी, और इसमें भी धार करवानी है, बहुत ज़्यादा नहीं चलती है ये, बस काम चला हुआ है, काम चल जा रहा है अभी। वही मैं देखिए यहाँ पर ब्रेड काट रही हूँ, और ब्रेड काटने के बाद बनाएंगे बेसन का घोल, और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि देर भी हो रहा, वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसीलिए। और ये देखिए, सारे ब्रेड यहाँ पर कट चुके हैं, और वही मैं दिखा रही हूँ आप सबको। और ये देखिए, इसको भर के पहले से ही मैंने रख लिया था कंप्लीट करके, उसके बाद ही गोल बना के और फिर इसके पकौड़े तले थे मैंने। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को, इसी तरीके से सारे भर कर कंप्लीट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। और ये देखिए, सारे ब्रेड मैंने भर कर कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद बनाएंगे ये बेसन का घोल। और घोल बनाने के लिए मैंने निकाल लिया है यहाँ पर बेसन, बेसन में डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये अजवाइन क्रश करके डाल देंगे इसी में। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला था, हींग डालने से सही रहता है, बेसन नुकसान नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये देखिए, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा एक घोल बना लेंगे। घोल बहुत पतला नहीं करना है हमको, थोड़ा सा ठीक रखना है ताकि हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं उनमें अच्छे से ये बेसन चिपक जाए।
इसीलिए। और इधर ये देखिए मैंने तेल भी रख दिया गरम होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर पकौड़े हमारे जो हैं वो बढ़िया से पक चुके हैं। और इनको मैंने पहले तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद तेल का जो सॉरी फ्लेम जो था गैस का उसको बिल्कुल मीडियम कर दिया था, और मीडियम आंच पर ही मैंने इनको सेका है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सिक चुके हैं, एकदम से गोल्डन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और अब इसी तरीके से दूसरा घान भी डाल देंगे हम इसमें। और ये देखिए बगल में यहाँ रख लिया है मैंने ये सॉस, इसी के साथ खाएंगे। चटनी मैंने नहीं बनाई थी, देर भी हो गया था काफ़ी, तो सॉस के साथ में ही सर्व किया था मैंने। और ये देखिए दूसरा घान भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। तो ये देखिए पकौड़ा हमारा सिक चुका है, ब्रेड पकौड़ा, और सर्व करके दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए ये सॉस है और ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है गर्मा गर्म। तो आ जाइए आप लोग भी आकर नाश्ता कर लीजिए, और अभी बच्चे करेंगे नाश्ता। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और अभी देखिए इधर हमने दूसरा घान भी डाल दिया है, इधर बन रहा है। और ये आलू की स्टफिंग इतनी बच गई है, ये ज्यादा इसको हम खाने में यूज कर लेंगे, और ये बच गई है, ज्यादा हो गई थी। तो अभी बच्चों को दे देते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। और ये देखिए फ्रेंड्स सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और हम ही बचे हैं, तो अब हम भी जा रहे हैं। और ये देखो इनका, इसने भी कर लिया है, बाबू ने और इनके पापा ने भी कर लिया है। और ये देखिए अपने लिए मैं इसी थाली में ले आई हूँ। और ये जलजीरा पाउडर भी है, जलजीरा पाउडर के साथ में काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये सॉस और ये ब्रेड पकौड़ा। और ये देखिए लास्ट वाला किस तरीके का है, ये लास्ट वाला टूट गया था, ऐसे ही बना दिया। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। आप भी खाओगी? और यहाँ पर ये देखिए शाम की हमारी चाय, और चाय के साथ में मैंने मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए थे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।